प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज हम आपको जानकारी देंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हर महीने की जानकारी आपको देते हैं, इसमें आपको जानकारी देंगे कि वो कौन सी 8 राशियां हैं जिनके लिए मार्च का महीना धनदायक रहेगा, धन वृद्धि कारक रहेगा, तिजोरियां भरेगा। आज उन राशियों की जानकारी देंगे आपको, लेकिन 4 उन राशियों की भी जानकारी आपको देंगे जो 4 राशियां आपके लिए थोड़ी तकलीफ दे हैं, अच्छी नहीं कही जा सकती। और उन 8 राशियों में कौन कौन से राजयोग बनेंगे ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे हमारा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 12 राशियों की जानकारी देनी है और समय कम रहता है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। राशि मेष, इसकी स्थिति क्या रहेगी। मेष राशि का स्वामी मंगल है, राहु के साथ अंगारक योग बना करके धन भाव में बैठा हुआ है। तो यहां राशि का स्वामी सेकंड हाउस में मंगल के साथ, इसको तो मैं अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन लाभ का स्वामी और धन का स्वामी ये लाभ स्थान पर है। यानी लाभ का स्वामी कर्म भाव पर स्वराशि में है और धन का स्वामी जो शुक्र है वो लाभ स्थान पर है, लेकिन अस्त है। अगर आप एक ओपल पहन के रखते हो तो निश्चित तौर पर आपको धन की आवक होगी, तिजोरियां भरेंगी। आपके लिए मार्च का महीना धन लेकर के आएगा। वृष राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि का स्वामी कैरियर के घर में है, अस्त है और यहां धन भाव का स्वामी और बुद्धि स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर है। भाग्य से धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। आप एक पन्ना पहन के रखें, एक ओपल पहन के रखें तो मार्च के महीने में आपको काफी पैसा आने का योग बनेगा और ये शेयर बाजार से पैसा आने का योग बनेगा। तो यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है, सूर्य को अगर आप जल चढ़ाते रहते हैं, मंगलवार का व्रत करते रहते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसका कारण है कि आपकी राशि का स्वामी मृत्यु स्थान में है, नीच गुरु के साथ है और साथ में शनि के साथ है और वहां पर राहु और मंगल का प्रभाव भी है, उसकी दृष्टि का योग भी है, पापकर्तरी योग भी बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा मिथुन राशि वालों को सावधानी बरतनी है। लेकिन फिर भी आपकी राशि को पैसा मिले उसके लिए आप एक पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनने से आपकी हेल्थ मजबूत रहेगी और साथ में एक मोती पहन सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो राशि का स्वामी आपका जगह जगह घूमता रहता है, लेकिन शुरुआत में, महीने की शुरुआत में वो बलवान होकर के तीसरे भाव में है तो अच्छी स्थिति है। अब यहां लाभ की बात करें तो वो विपरीत राजयोग बना करके बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। यहां पर विपरीत राजयोग बनना वो काफी अच्छा है। तो विपरीत राजयोग में बहुत सारा पैसा आता है और सूर्य अपने घर को देख रहा है, तो जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वहां पर भी पैसा आता है, पैसे की आमदनी बनती है। सिंह राशि वालों के लिए राशि का स्वामी सूर्य अपने घर को देखता है तो आपको यहां पर अपने स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन धन के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है सिंह राशि वालों को। लाभ और धन का स्वामी बुध कर्ज के घर में है, जो पैसा आएगा वो कर्ज में चला जाएगा, तो यहां थोड़ी सी परेशानी आपको रहेगी। लेकिन कन्या वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कन्या राशि का स्वामी और कैरियर का स्वामी बुद्धि स्थान पर है, दिमाग और बुद्धि से संबंधित पैसा आपके पास आएगा। आप एक पन्ना पहन सकते हैं, इसके पहनने से काफी लाभ मिलेगा और साथ में महीने की शुरुआत में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो एक मोती भी पहन सकते हैं, इससे भी काफी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक शनि है तो यहां पर आप नीलम पहन सकते हैं और तुला वालों के लिए काफी अच्छा इसलिए है कि तुला राशि का स्वामी स्वयं पंचम भाव में है लेकिन अस्त है, तो सूर्य को जल चढ़ाते रहें अच्छा रहेगा। और धन भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है लेकिन धन भाव को देखता है, तो जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि को ही देख रहा है, आपकी राशि का स्वामी मंगल राशि को देख रहा है, धन का स्वामी यहां पर नीच हुआ है लेकिन
चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरे भाव में शनि, बुध और गुरु ये बलवान हो जाते हैं, मेहनत से थोड़ा पैसा आपके पास आएगा जरूर, तो यहाँ थोड़ा संतोष आपको करना पड़ेगा। जैसे बाकी की आठ राशियों के पास धन की वर्षा होने के योग बनते हैं, पैसा आने का योग बनता है, तिजोरियाँ बनने के योग बनते हैं अचानक, तो वो चीज़ें यहाँ पर वृश्चिक में नहीं हैं। धनु की बात करेंगे, धनु राशि का स्वामी नीच होकर के धन बाप पर है, नीच वंग राजयोग बना के बैठा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। और लाभ का स्वामी तीसरे भाव में, तो ये भी एक अच्छा है। तो तीसरे भाव में यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो मजबूत स्थिति रहेगी, तो यहाँ धन की वृद्धि के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना आपके कैरियर का स्वामी होकर के धन बाप पर बैठा है और शनि के साथ बैठा, धनेश के साथ बैठा है, कैरियर और धन का संपर्क है, धन और कैरियर दोनों एक साथ अगर जब बैठते हैं तो काम कारोबार से पैसा आपके पास निश्चित तौर पर आता है, आप जो मेहनत करते हैं उससे पैसा आपके पास आता है। अगली राशि हमारे पास में मकर, मकर राशि के अंदर अगर देखा जाए तो राशि का स्वामी शनि स्वराशि में ही बैठा हुआ है, लेकिन इसमें पाप प्रभाव है, राजयोग बना के बैठा हुआ है, नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है। लाभ का स्वामी लाभ स्थान को देखता है और धन का स्वामी स्वराशि के अंदर है, तो नीलम अगर आप पहनते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप नीलम पहन सकते हैं, इंप्रूवमेंट आएगा, पैसे की आमदनी बढ़ेगी। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का स्वामी बारंबार में चला गया है और धन का और लाभ का स्वामी भी बारंबार में चला गया है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुंभ वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और मंगल राहु का अंगारक योग का प्रभाव भी यहाँ पर है, तो ये कहूँ कि थोड़ा विपरीत राजयोग में पैसा जरूर आएगा, विमल योग में पैसा जरूर आएगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई बार ग्रह ऐसा होता है जब वो बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में फंस जाता है तो उनको विपरीत राजयोग में फल देते हुए देखा गया है। मीन राशि के अंदर अगर देखा जाए मीन राशि वालों की जो स्थिति रहेगी, वहाँ धन का और भाग्य का स्वामी मेहनत के घर में बैठा है, विदेश स्थान पर बैठा है, अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर पैसा आएगा। और राशि का स्वामी बृहस्पति नीच है लेकिन उसका नीचभंग राजयोग बना हुआ है, और लाभ स्थान पर जहाँ से पैसे की उत्पत्ति होनी है वो है शनि, और शनि के साथ में बुध की युति यहाँ पर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन बना रही है। तो हम ये कहें कि मीन राशि के अंदर भी लाभ और पैसा आने का योग काफ़ी अच्छा बनता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये ग्रह हैं मार्च के महीने में, वैसे तो हर एक ग्रह कहीं ना कहीं शुभ ग्रह पापी के साथ विराजमान है, देवता ग्रह भी विराजमान है कहीं ना कहीं। अब जैसे शुभ ग्रह शुक्र होता है वो सूर्य के साथ विराजमान है, बुध और गुरु दोनों शनि के साथ विराजमान है, चंद्रमा का मूवमेंट चलता रहता है, देवता ग्रह मंगल जो है वो राहु के साथ विराजमान है। तो इस प्रकार से जो गोचरीय स्थिति अगर मैं कहूँ तो मार्च के महीने की बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन अप्रैल से बहुत पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाएगा कि मार्च में पैसे की आमदनी बनी रहेगी, लेकिन जो हालात हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं कहे जा सकते, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस रहती है। जो राशियां जिन राशियों के स्वामी छठे आठवें बारहवें भाव में चले गए, जिनका बृहस्पति छः आठ बारह में चला गया है, वहाँ नीचभंग राजयोग तो बनाता है लेकिन बुध के साथ उसका नीचभंग राजयोग भंग भी हो जाता है। कोई एक शुभ ग्रह अगर देखता है तो वहाँ बहुत पॉजिटिविटी इतनी जो होनी चाहिए वो नहीं रह पाती है, जितना उसको फल देना चाहिए वो उतना फल नहीं दे पाता है। तो मित्रों ये था मार्च के महीने का राशिफल, आठ राशियों के लिए काफ़ी अच्छा है, चार राशियों के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा। आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ और आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार, और मेरा पता आप नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय,
Q15 क्यू ब्लॉक सेक्टर 12 फोन नंबर 01202530666 मोबाइल 9999896090 9811414156 ईमेल info@astrohubworld.com वेबसाइट www.drhsrawat.com